हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आप देख रहे होंगे आज थोड़ा सा मौसम सुहाना हो रहा है, बारिश भी हो रही है अहमदाबाद में। तो हम लोग आ गए हैं, आज चैत्र महीना चालू हो गया है, चैत्र शुद्ध बीज हो चुकी है आज, मतलब चैत्र का दूसरा दिन हो चुका है। चैत्र महीना बहुत ही हिंदू धर्म के हिसाब से चैत्र महीने की बहुत ही विशेषता है, आप लोग जानते ही होंगे। चैत्र महीने में बहुत ही पूजा पाठ होती है और नवरात्रि भी चल रहे हैं 9 दिन के माता जी के, तो उसके हिसाब से आज हम दर्शन करने आए हैं लांभा। यस, लांभा जो है बढ़िया देव के नाम से जाना जाता है। बढ़िया देव मतलब लांभा में स्थित बढ़िया देव मंदिर है, जिसे आप खाटू श्याम के नाम से भी जानते हैं। तो हम ले लेते हैं प्रसाद और फिर चलते हैं बढ़िया देव के दर्शन करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो बढ़िया देव का मंदिर नया मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो 2007 में अहमदाबाद से बाहर के एरिया में गिना जाता था। और यहाँ पे ये मान्यता है कि भाई आप पूरे चैत्र महीने में कभी भी आप आइए यहाँ पे, और आके घर से आप खाना बना के लाइए और यहाँ पे आके आप साथ में पूरे परिवार के साथ के खाना खाइए। तो ये सबसे बड़ी महान विशेषता है बढ़िया देव की। देखिए, आप बढ़िया देव के दर्शन कर सकते हैं। तो मैंने भी दर्शन किया है, पूरा वीडियो बनाने की कोशिश की ताकि आप दर्शन कर सकें। तो बढ़िया देव मतलब खाटू श्याम ही हुए, और ये जो है महाभारत के युग से चलता आ रहा है। ये भीम के पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, भीम और हिडिंबा के पुत्र जो थे। और ये महाभारत में इन्होंने, इनकी माता जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया था कि भाई आप जिस भी पक्ष में रहोगे, वो पक्ष मतलब जो जिस भी टीम में आप रहते हो, वो टीम अपने आप जीत जाती है। तो मतलब ये कहना है कि भाई बढ़िया देव से पूछा गया था कि आप किसकी सहायता करेंगे, तो बढ़िया देव कहते हैं कि जो भी इंसान या जो भी पक्ष, जो भी पार्ट डाउन जा रहा होगा या अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा होगा, मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ भी होती है, हज़ारों करोड़ों पब्लिक आती हैं और यहाँ पे दर्शन करती हैं बढ़िया देव के, और जो भी उनकी मनोकामना है या जो भी वो चाहते हैं वो पूरी होती है। तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे बढ़िया देव का ऐसा कहना है कि आप आइए, खाना घर से खाना बना के लाइए और यहाँ बैठ के वो ठंडा खाना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गरम खाना नहीं खाया जाता है, ठंडा खाना आके आप खाइए, बैठिए और भजन कीर्तन करिए। तो चैत्र महीने की उपासना करने के लिए सारी मम्मियाँ आ चुकी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, दादी है, मम्मी है, नानी है, और सभी लोग बैठ के यहाँ पे अपना भगवान को याद कर रहे हैं, श्री कृष्ण को यहाँ पे याद कर रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं और ठंडा खाना इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, आप देख सकते हैं गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।